हमलावर होते हैं हम दुश्मन के ऊपर, तो ज़ाहिर दुश्मन के तोपखाना भी हम पर है और दुश्मन के मशीन गने और गोलियां भी चलती हैं, आसपास साथी गिरते भी हैं, कुछ ज़ख्मी भी होते हैं, कुछ शहीद भी हो जाते हैं। 1979 से जब से सोवियत इन्वेजन का अटैक आया, उसके बाद से वो बॉर्डर जो हमारे लिए वेस्टर्न बॉर्डर सेफ था, वो भी अनसेफ हो गया, क्योंकि वहाँ से ही बहुत से दहशतगर्द भी आने शुरू हो गए, जो सिर्फ अफगानिस्तान के या अलकायदा के दूसरे नहीं थे, बल्कि उज़्बेकिस्तान के और बहुत जगहों से लोग आए और पाकिस्तान के अंदर क्रॉस करके आ गए। जब भी कौम पर कोई मुश्किल आजमाइश का वक्त आता है, तो कौम इकट्ठी होती है। और अभी आप कह रहे हैं कि वसाइल को बाहर वाले ही भेज रहे हैं, कोई हमारे मुल्क में हमारे बजट से भी दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कोई कैलकुलेशंस करे और हिसाब किताब करे, तो जो अवाम अपनी जेब से पैसा निकाल कर आज खुद वॉलंटियरली दे रहे हैं, पैसा टेंट और खाना पीना ये वो जो आप देखें ढेर लगा रहे हैं, वो गवर्नमेंट से ज्यादा नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम, द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौके खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राय। पाकिस्तान का आज यौम दिफा मनाया जा रहा है, और आज यौम दिफा की मुनासिबत से हम उन शहीदों को, उन गाजियों को याद करते हैं जो पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गए अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के सामने, और फिर वो दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए। वो जो ख्वाब देख कर दुश्मन पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ था कि इस रियासत, इस ममलिकत खुदादाद को ख़त्म कर दिया जाएगा, वो अपने तमाम ख्वाब तमाम इरादों के साथ वो खुद शिकस्त खा गया। और आज भी हम मरहून मन्नत हैं, एहसान मंद हैं, पूरी कौम पाकिस्तान की अफवाज के, उसके जवानों के, उसके अफसरान के, कि वो आज भी इस मादरे वतन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, आज भी वो इस मादरे वतन के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं, और हम बहसियत कौम उनके शुक्रगुजार भी हैं और साथ ही साथ उनको खराज अकीदत भी पेश करते हैं। आज यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से हमारे साथ हमारे एक ऐसे ही मेहमान से ज़्यादा वो हमारे हीरो हैं, जो 61 की वॉर में, 71 की वॉर में और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में भी खिदमात सर अंजाम देते रहे हम दस्तों के हवाले से, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। जल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को जब देखते हैं, और वैसे तो आप बिल्कुल जवान थे जब 65 की वॉर थी, और आज आपके जज्बे भी जवान हैं। तो सर, ये जब भी हम 65 की वॉर की बात करते हैं, हमें बड़ा प्राउड फील होता है बहसीत पाकिस्तानी, लेकिन जब आप उसको याद करते हैं तो वो तो एक अजीब मोमेंट होगा। सर, वो क्या जिसको आज तक हम अपने फ़ख्र के साथ बताते हैं कि हमारा यौम दिफा? जी हाँ, 1965 में पाकिस्तान की फ़ौज बहुत आला तरबियत याफ्ता फ़ौज थी। दूसरा, वो चूँकि अमेरिका के साथ हमारे म्यूचुअल डिफेंस एड पैक्स थे, तो हम पहले थे जो जेट इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया पाकिस्तान में। टैंक्स हमारे मॉडर्न थे, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स यहाँ पर आए, तो इस लिहाज से हमारी एयर फोर्स, हमारी फ़ौज, नेवी और उसकी मैन पावर बहुत मच्योर और स्ट्रॉन्ग थी, बेहतरीन। और पाकिस्तान को बने हुए सिर्फ 18 साल हुए थे जब ये जंग छिड़ गई, लेकिन उस वक़्त जो अय्यूब खान की तकरीर थी जो उन्होंने 6 सितंबर को दी, उसने तमाम कौम के खून को और खसूसन फ़ौज के खून को बहुत गर्माया। हमने वो तकरीर उनकी पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के नज़दीक कसूर रायविन के पास सुनी, और उसके बाद हमें हुक्म मिल गया कि जंग चूँकि छिड़ चुकी है, तो आपने बॉर्डर क्रॉस करना और खेमखरन पे हमला करना है। सही। तो जज्बे बहुत मजबूत थे, और मुझे बड़ी खुशी है, मैं कप्तान था और
पहला जो वहाँ पर गया है हरावल दस्ता, जिसने हमला किया खेमकरण कस्टम पोस्ट पर, मैं उसमें शामिल था। वहाँ कुछ जम्मू डोगरा कंपनी दो लगी हुई थी इंडिया की, उनका टैंक भी थे, तो टैंक भी वहाँ पर जला दिया, तबाह हो गया। हमारे लोगों ने, हमारे टैंकों ने उसको मारा और इन्फेंट्री पे हमने हमला करके उनको भगा दिया। काफ़ी उनके लोग वहाँ हमने पकड़ लिए। अच्छा, कुछ जख्मी थे, कैदी हो गए, कैदी हो गए, कुछ जख्मी थे, कुछ वैसे पकड़ लिए। तो मतलब पहला हमारा जो था ये बड़ा हौसला अफजा रहा, मतलब पहला हमारा ये मार्का था। तो एक और जज्बा बन गया कि स्टार्ट में। जी हाँ। तो दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान की फौज हमारे से तादाद में बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने अपनी तरफ से पाकिस्तान पर एक सरप्राइज़ हासिल करने की कोशिश की थी कि अचानक उसने जो हमला किया था। लेकिन जो ये कहा जाता है ना कि पाकिस्तान की फौज तैयार नहीं थी, ये बात सही नहीं। हम तो मार्च से ही, जंग तो सितंबर में छिड़ी है, हम तो मार्च में अपनी बैरकों से निकल गए थे। अच्छा। पहले छांगा मांगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते रहे बिन कसूर पर, हम पॉइस थे अपने टारगेट्स के लिए, तो तोपखानों होना सब पोजीशन में थे, मतलब उस लिहाज से। तो जवानों के भी जज्बे बहुत हाई थे और हमारे फ़ौज के जज्बे भी बहुत हाई थे, और आई थिंक हर महाज पर हमने हिंदुस्तानियों के जो साथ जो है बहुत मजबूत मुकाबला किया। सही। अच्छा जनरल साहब, एक सवाल यहाँ पर है कि आप ख़ुद भी ये फरमा रहे हैं कि तादाद में भी वो बहुत ज़्यादा थे, उनके पास जब हम, आप तो खेमकन के सेक्टर पे कसूर में थे, चवंडा का हम देखते हैं, आपके अपने दोस्त वहाँ पर भी होंगे, वो तो इतनी बड़ी तादाद भी है, असला बारूद भी ज़्यादा है, तो फिर उसके बावजूद पाकिस्तानी अफवाज जो है वो बड़ी हावी रही है पूरे के पूरे बॉर्डर पर, ये क्या चीज़ थी? दो वजूहत थी मैं समझता हूँ। एक तो हमारा मुसलमानों का जो जज्बा शहादत है, कुव्वत ईमानी है, वो एक बहुत बड़ा असासा, बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तानी फ़ौज के लिए। वो जो हमारा फ़लसफ़ा है कि जो अपने वतन के दफा में अपने लोगों के बचाव के लिए जो अपनी जान देता है वो शहीद है, अल्लाह उसको दर्जा उसका बहुत बुलंद है। तो एक तो ये जज्बा है जो हम में है, हिंदुस्तान इससे आ रही है, लड़ते ज़रूर हैं वो। और दूसरी बात जो मैंने आपसे पहले भी कही कि हमारी फ़ौज सही मौने में बहुत प्रोफेशनल थी और बहुत ट्रेंड थी, जवान और सारे अफसर हमारे, और इसलिए हमने हर महाज पे उनके ज़्यादा होने के बावजूद भी उनको, जहां उन्होंने बहुत बड़े हमले किए उनको रोके रखा, और जहां हमने बढ़ के हमले किए तो हमने उनका इलाका भी लिया। और इसकी आखिर में जब ये जंग ख़त्म हुई है 17 दिनों के बाद, तो हमारे पास हिंदुस्तान का ज़्यादा इलाका था। उन्होंने जो हमारा इलाका लिया था वो नस्बतन कम था किलोमीटर में, हमारे पास ज़्यादा जंगी कैदी थे, हमारे पास जो है हमने जो उनके ज़्यादा टैंक तबाह किए थे, उनके ज़्यादा हवाई जहाज़ तबाह किए थे। तो इस लिहाज से इसको कहा जाएगा कि हर लिहाज से हमने हर फील्ड में कामयाबी हासिल की। फिर जो हमारे लोग ज़ख्मी हुए थे वो अस्पतालों में गए थे, तो खून देने वाले जो पाकिस्तान में लंबी कतारें लग गई मिलिट्री अस्पतालों के बाहर, उसके अंदर भी हमने हिंदुस्तान को बीट किया। और जो हमारे शायरों ने नगमे लिखे हैं हमारे फौजियों के लिए, गाजियों के लिए, और जो हमारे कलाकार थे और हमारे जो मुगन्नी थे, उन्होंने जो मिल्ली तराने गाए, वो आज तक जो है वो ऐसे हैं कि खून आज भी सुने तो गर्माते हैं। वो वैसे ही जज्बा जो जज्बा, जी हाँ, उसमें कोई शक की बात नहीं कि उससे बहुत असर पड़ता है। हमने ये गाने नूर जहाँ वहाँ के, ये हमने हिंदुस्तान के सॉइल पर सुने। सही। हमने कहा देखिए हमारे लिए ये गाने गाए जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो ये अच्छा जनरल साहब, एक और चीज़ यहाँ पे, अगर हम 65 के उसको याद करते हुए, आप हमला कर रहे हैं, ऑब्वियसली जंग है, या दुश्मन ने मारे जाना है या आपके साथियों ने शहीद होना है, उस वक्त जब आप खुद कैप्टन हैं, आपके साथ कंपनी है चल रहे हैं, तो उस वक्त जवानों की भी, अफसरान की भी शहादतें जब होती थी, तो वो क्या, मतलब वो मोराल और अप होता था, क्या होता था वो, एक जब भी शहीद को देखते हैं तो एक अजब सी एक कैफियत हो जाती है। तो आप तो जंग में मौजूद थे, तो आपके साथ ही जब इस तरह से शहादतें होती। जी हाँ, जब ये हमलावर होते हैं हम दुश्मन के ऊपर, तो ज़ाहिर दुश्मन के तोपखाना भी हम पर है और दुश्मन के मशीन गने और गोलियां भी चलती हैं,
आसपास साथी गिरते भी हैं, कुछ ज़ख्मी भी होते हैं, कुछ शहीद भी हो जाते हैं, उनको उठा के पीछे ले जाते हैं हमारे जो लोग होते हैं इस काम के लिए, स्ट्रेचर बैरस कहते हैं उनको, वो स्ट्रेचर पर डाल के जो ज़ख्मी होते हैं उनकी फ़र्स्ट फील्ड ड्रेसिंग हमारे पास ही होती है, वो लगा देते हैं। और जो कम ज़ख्मी होता है वो कहते हैं मैं पीछे जाने को तैयार नहीं हूँ, मैं तो यहीं पर रहूँगा, जंग में हिस्सा लेते रहूँगा। तो होता है थोड़ी देर के लिए ख्याल होता है कि भाई ये जो आदमी जो है शहीद हो गया है क्या है, लेकिन हमारा जज्बा आगे बढ़ने से या अपना काम करने से वो सर्द नहीं होता, कम नहीं होता। सही। अच्छा अफजल साहब, ये चीज़ जब इससे पहले आप जब कमीशन हुए हैं, उसके बाद भी, उससे पहले भी, अब ये पता है कि फ़ौजी है, जवान है, वो आज भी शहादतें दे रहे हैं, उस वक्त भी थे, तो अपनी जान जो है वो इस तरह से, मतलब उसका डर ही नहीं है फौजी के अंदर, वो आर्मी पर्सन के अंदर वो डर ही नहीं है। ये जो जज्बा है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में जाने से पहले ही, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुसलमान आया, फिर जब एक ट्रेनिंग आपकी जो बड़ी शानदार ट्रेनिंग होती है वो, और आज तक, ये चीज़ क्या होती है जो इस तरह से अपनी जान बाद में है, वतन की सरहद की हिफाजत पहले? देखिए ये तो हमने जब, ये अल्लाह ने हमको प्रोफेशन मत में इस पर हम आ गए और इसको चुन लिया, तो उसमें फिर ज़ाहिर है कि इस किस्म के तो पेशानी है, मुश्किलात और जो है, लेकिन जवान भी और ऑफिसर्स भी, सब लोग जो हैं उनको अपनी इज्जत का भी ख्याल होता है कि एक अफसर जो हमेशा बोलता रहा कि भाई आगे बढ़ना है, दुश्मन पर हल्ला बोलना है, तो उस वक्त ना वो पीछे हट सकता है, ना वो कमज़ोरी दिखा सकता है, तो एक ये भी प्रेशर आप पर होता है सब लोगों का कि भाई सारी उम्र आपको लोग बोलेगा कि इसने पीठ दिखा दी थी या ये थोड़ा ढीला पड़ गया था, तो एक ये भी खौफ होता है आपके दिल में कि ऐसा काम कभी कोई ना करे कि सारी उम्र के लिए मुंह पर कालक लग जाए। सही। अच्छा हम, आपने अभी बात की है कौम के जज्बों के हवाले से, सब 65 के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान किसी न किसी सूरत में, किसी न मशरक में, मग़रब में, पाकिस्तान के अंदरून में जंग का, पहले आपने एक बड़ा तवील अरसा पाक फ़ौज में खदमात दी, फिर बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर, फिर गवर्नर ऑफ सिंध, बड़ा रहा, तो आप तो दोनों तरफ से लोगों के साथ बड़े करीब रहे हैं, ये चीज़ें जो इस वक्त कौम का जज्बा आप समझते हैं वैसा ही है जैसा आपने 65 में एक बड़े यंग फ़ौजी में देखा और कौम आपके साथ थी, और आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी वही जज्बा, वही चीज़ है इस कौम में, या बदल गई है कौम में? जज्बा थोड़ा पहले के नस्बत कमज़ोर पड़ा है। अच्छा। सूबाइत बढ़ गई है, वो जो ज़माना था कादर अजम साहब की लीडरशिप का और लियाकत अली खान की लीडरशिप का, जो असूल हमारे लिए छोड़ गए थे सरदार अब्दुल रब नेश्तर, उस ज़माने की जो लीडरशिप थी, बंगाली भाई हमारे साथ थे, उनके बड़े बड़े शोरवर्दी साहब, ए के फजल हक साहब, नाजमुद्दीन साहब, ये बहुत बड़े लीडर्स थे। तो दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान जो बना था वो कमज़ोर था इस लिहाज से, माली लिहाज से, ना कोई इंडस्ट्री थी, ना कोई वसाइल थे, लेकिन एक तामीर का जज्बा पाकिस्तानियों में बहुत ज़बरदस्त मौजूद था कि मुश्किल हालात के बावजूद भी और तंगी के बावजूद भी, वसाइल की कमी के बावजूद भी, ये तामीर का जज्बा था और क़ुरबानी का जज्बा था। और काफ़ी हद तक ये जो मसलकी सिलसिले हैं या ज़बान के मसले हैं या इलाके या सूबाइत के मसले हैं, ये दबे हुए थे, उसका जिक्र कम आता था। उसकी मिसाल ये है कि जो महाजरीन आए वहाँ हिंदुस्तान से, वो सारे सूबों में आबाद हुए और वो उनको वेलकम भी किया गया, तो वो तामीर का जज्बा चल रहा था और वो 65 तक बरकरार था। और 65 में मैंने जो इस कौम में जज्बा देखा है पाकिस्तानी फ़ौज के पीछे, वो खुद सी से प्लाई दीवार जो थी वो आवाम थे फ़ौज से ज़्यादा, उनका जो हमारे साथ बैकिंग थी, उनकी जो हमारे साथ कुर्बानी का जज्बा था, यानी हम उनको मना करते थे कि खुदा के वास्ते आप ये मत आएँ आगे गोलाबारी में, कहते नहीं हमसे, हम मोर्चे खोलना चाहते हैं, हम आपका मिलिशन उठा के आगे ले जाएंगे, हमें काम दें। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि जब फ़ौज और अवाम एक साथ होते हैं, जब भी फ़ौज मजबूत होती है, और इसकी सीधी सी मिसाल मशरक़ी पाकिस्तान का सानहा है, वहाँ के अवाम फ़ौज का साथ छोड़ गए थे और जिनको हमें डिफेंड करना था वही हमारे मतलब पीठ में खंजर घोंपने शुरू हो गए थे। तो ज़ाहिर है जहाँ पर ऐसे हालात पैदा हो जाएं,
तो फिर वहाँ फौज जो है लड़ नहीं सकती, ना कुछ कार्रवाई कारनामा सर अंजाम दे सकती है। ये तो तामीनी जज्बा था हाँ। उस ज़माने में वसाइल की तंगी के बावजूद भी वो ऐसा था कि पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें बहुत तेज़ी से तय कर रहा था। कौम कुछ भी कहती रहे, बहुत से सियासतदान कहते हैं कि अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाकर डेमोक्रेसी से हटा दिया हमारे मुल्क को, और बहुत सी बातें की जा सकती हैं, इस पर डिबेट होती रहती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अयूब खान का दौर जो था उसमें बहुत तरक्की हुई और अफवाज में बहुत तरक्की हुई। उसने पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को बहुत बिल्डअप किया, इकॉनमी को बहुत बिल्डअप किया। इकॉनमी के बगैर ना कोई फौज लड़ सकती है, ना फौज इक्विप हो सकती है, और ना ही मुल्क चल सकता है। तो ये तमाम जो फैक्टर्स थे हमारे हक में थे उस ज़माने में। अब वो जज्बा जो है पहले के निस्बतन कम है, और अभी तो ये हाल है कि बहुत से लोग जो हैं वो फौज के खिलाफ ट्वीट भी करते रहते हैं, और बहुत सी फौज पर गैर ज़रूरी टाइप की उंगलियाँ भी उठाते रहते हैं। एक तो होता है ना जायज़ कोई बात कर दें, एक होता है नाजायज़ बात करके झूठा प्रोपेगेंडा करना, बिल्कुल, जिससे कि मतलब हमारा रिश्ता आवाम के साथ कमज़ोर पड़ता है, और फौज का दिल भी कि भाई हम तो इनके लिए जान देने को तैयार हैं, तो ये इस किस्म की बातें करें तो ज़ाहिर है फिर इंसान थोड़ा परेशान तो होगा इस चीज़ से। लेकिन उसके बावजूद अभी हम देखते हैं कि जो आपने कि एक चीज़ होती है जिससे कौम ऐसे इकट्ठी हो जाती है, 65 उसका सबसे बड़ा मामला था, फिर उसके बाद आने वाले कुछ वाक़यात भी हैं। आजकल हालिया जब सैलाब के है तो सबसे पहले पाकिस्तान फौज के, चाहे वो नेवी है या पाकिस्तान आर्मी है, वो पेश है, और अब फिर वही जज्बा है कि कौम साथ खड़ी है, कि इधर से अपील होती है, उधर से सारे मिलकर वो एक चीज़ों को। और नाज़रीन ये एक बड़ा अहम मामला है कि अफवाज पाकिस्तान जंग की हालत में हो, कि जब हम 65 में या 71 में या 48 में से पहले या फिर उसके बाद कारगिल की वॉर है, फिर उसके बाद पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर जिस किस्म की सूरत हाल रही है, फिर पाकिस्तान में जो अपनी दहशतगर्दी के इंटीरियर एक मामलात रहे हैं उससे निमटते हुए पाकिस्तान ने दुनिया में वो काम किया जिस पर पूरी दुनिया के जो थिंक टैंक्स हैं वो खुद हैरान होते हैं। जल साहब आप के दौर पर ये हम ये चीज़ें देखते कि अभी आपने बड़े डीपली देखा कि पाकिस्तान में वो एक नो गो एरियाज़ थे, पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अफवाजें इवन जनरल तक भी उसमें शहीद हुए, तो ये भी हम तो कॉन्टीन्यूसली किसी न किसी जंग का हिस्सा रहे हैं, और हमारी अफवाज हमारे जवान उस तरह कामयाबियाँ भी हासिल कर रहे हैं और कुर्बानियाँ भी दोनों दे रहे हैं। हम इस जंग के अंदर से कैसे मतलब निकले, ये जो हम अपने ही अंदर एक जंग लड़ते आ रहे हैं। देखिए बात यह है कि किसी भी वक्त ज़माने अमन जिसको हम कहते हैं कि जब जंग ना हो रही हो एक्टिव, फिर भी पाकिस्तान फ़ौज की कम से कम एक तिहाई से ज़्यादा नफरी जो है वो हालात जंग में होती है। बिल्कुल, अब जो आदमी लगे हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीर में, सियाचिन से लेकर और सियालकोट के बॉर्डर तक, वो 75 साल से उन मोर्चों में बैठे हुए हैं, वो नॉन फैमिली स्टेशंस हैं, वहाँ किसी वक्त भी गोली चल जाती है, तो हालात जंग में हैं वो। इसके अलावा जो हालात रहे हैं पिछले 40 साल से अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, 1979 से जब से सोवियत इन्वेजन का अटैक आया, उसके बाद से वो बॉर्डर जो हमारे लिए वेस्टर्न बॉर्डर सेफ था वो भी अनसेफ हो गया, क्योंकि वहाँ से ही बहुत से दहशतगर्द भी आने शुरू हो गए, जो सिर्फ अफगानिस्तान के या अलकायदा के दूसरे नहीं थे बल्कि उज़्बेकिस्तान के और बहुत जगहों से लोग आए और पाकिस्तान के अंदर क्रॉस करके आ गए। तो एक वो इंटरनल जंग शुरू हो गई, अब वेस्टर्न बॉर्डर पर भी हमको सर्वेलेंस रखना पड़ता है जी। ईरान के बॉर्डर में चूंकि वहाँ पर भी टेररिज्म आना जाना लोगों का लग रहता है, तो वहाँ पर भी बार्ड वायर भी लगा रहे हैं, तो वहाँ भी लोग होते हैं। इससे पता लगा लें कि पीस टाइम में ये लोग नॉन फैमिली स्टेशन पर अपने घरों से दूर ड्यूटी दे रहे होते हैं, और जब पाकिस्तान की ये इलाके बहुत सारे जो थे उसमें घुस आए थे अपना दहशतगर्द, और उन्होंने आस्ते आस्ते पाकिस्तान के पहले जो कबाली इलाके थे पुराने वो, और फिर सेटल्ड इलाके जो थे सवात के थे या बन्नू के थे, या आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी इलाकों पर काबिज होते चले गए, उन्होंने वहाँ अपनी हुकूमत बना ली, अपनी शरी टाइप की चीज़ें कायम कर दी, अदालतें कायम कर दी, गवर्नमेंट की रिट चली गई। तो ये इतना ह्यूज ऑपरेशन था, इतना कॉम्प्लिकेटेड और सख्त ऑपरेशन था जो सबसे पहले जनरल कियानी ने
जंग से भी ज्यादा मुश्किल काम ये बहुत ज्यादा ना। सबसे पहले तो आपने वहाँ 35 लाख लोगों को उन इलाकों से निकाला गया, उनको कैंपों में लाया गया, उनको खाना खिलाना, वहाँ रखना, वहाँ इनका डंडी कार्ड बनाना, देखना कि इनमें दहशतगर्द ना हो। उसके बाद वहाँ पर दहशतगर्द उस इलाके को छुड़वाना, उस इलाके को साफ करने के बाद फिर इनको दोबारा आबाद करना और गवर्नमेंट के रेट कायम करना, फिर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और ये चीज़ें पैदा करना ताकि लोग जो है वो मजबूती के साथ, आराम के साथ वहाँ पर रह सकें। तो इस तरह जो शुरू हुआ, फिर कबाई इलाके जो थे एक एक करके लिए गए, जो 7 एजेंसीज़ हैं, आखिर में नॉर्थ वजीस्तान में तमाम लोग ये भाग दौड़ के सब वहाँ पर जमा हो गए। और लोगों ने कहा भाई ये बड़ा, इट्स वेरी हार्ड नट टू क्रैक, ये तो बहुत सारे लोग दुनिया भर के जो हैं दहशतगर्द वो यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो इस पर तो हमला और इसको लेना बड़ा मुश्किल होगा। ये काम फिर राहील शरीफ साहब जी ज़माने में हुआ, और वो एक बहुत उसमें काफ़ी पाकिस्तान आर्मी के भी मतलब कैजुअल्टी हुई, लोग ऑफिसर जवान शहीद हुए, लेकिन बिलाखिर उसको ले लिया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो फाटा है उस पर पाकिस्तान की तमाम रेट कायम है और उसको KPK में जम भी कर दिया। तो ये एक बड़ी बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देखेंगे दुनिया में अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन भी आया, अमेरिका भी आया, लेकिन वो वहाँ पर वो इलाके साफ ना कर सका और वहाँ पर अमन कायम ना कर सका। और यही अफवाज पाकिस्तान है कि जिसकी वजह से ये मामला भी हुआ। जल साहब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ये यौम दिफा जो हम 1965 से लेकर आज तक मना रहे, इसका हर दिन दिफा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इसका हिस्सा रहें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में। आज का वाकई स्पेशल दिन है, स्पेशल आज प्रोग्राम, और स्पेशल हमारे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। जहाँ बातें कर रहे हैं उस दौर में कि जब पाकिस्तान मिलिट्री 1965 में एक अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान को सुरखरू करने में कामयाब रही, वहीं से आज तक मुसलसल हम हालत जंग की सूरत भी देख रहे हैं। जल साहब हम थोड़ा सा आप के हवाले से, वो बड़ा अच्छा लगता है जब आप 65 में होगा, चीज़ें चल रही होंगी तो एकदम से वो फिल्म चल जाती है ना आपके दिमाग में कि रायवंड है, कसूर है, खेमकर्न है और हमारी कामयाबियां हैं और पीछे से आने वाली वायलेंस है, आपको शाबाश मिलती हुई कि जब आपने कहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ जो है वो कर लिया। उस वक्त अफसरान का एक अपना ड्यूटी और एक अपना जज्बा है और आपको इर्द गिर्द जो है मतलब बिल्कुल करीब बरकी के मकाम पर मेजर शफकत बलोच हों या मेजर भट्टी हों, वहाँ पर उनकी ज़बरदस्त किस्म की वो चीज़ें ख़बरों में मिल रही, वो क्या पूरे जब बॉर्डर पे ख़बरें आ रही हैं, रेडियो सुन रहे हैं या वायरलेस से कुछ चीज़ें पता चल रही हैं, उस वक्त क्या चीज़ें आपके अंदर जज्बा और आपके जवानों में होता जी? बहुत इस बात की कोशिश रहती है कि पता चले कि दूसरे महाजों पर क्या हो रहा है, किस तरह हमारी फ़ौज परफॉर्म कर रही है और क्या हो रहा है, तो वो ख़बरों की हमें कोशिश रहती है। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे वायरलेस की रेंज इतनी नहीं होती कि हम खेमखरन बैठे हुए सियालकोट के महाज की या कश्मीर के महाज का वायरलेस पे सुन सकें, इतनी रेंज नहीं होती। रेंज सिर्फ इतनी होता है कि जिससे आप अपना काम करें। तो ज़्यादातर हमारा एतबार तो रेडियो पाकिस्तान पे था या BBC पर था। सही। और BBC की बहुत सी खबरें गलत भी होती थी। अच्छा। उन्होंने तो लाहौर पर कब्जे की खबर भी सुना दी थी, यानी कि उस वक्त भी BBC गलत खबरें दिया करता था। BBC ने कहा कि लाहौर पर हिंदुस्तान फौज का कब्जा हो गया है। अच्छा। विच वॉज रॉन्ग न्यूज़, वो कभी भी BRB क्रॉस करके आगे आ ही नहीं सके थे। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि खबरें लेकिन कहीं ना कहीं से मिल जाती थी कि क्या हो रहा है बाकी महाजों पर, और जहाँ पर हमारी फ़ौज आगे बढ़ रही होती थी तो बहुत खुशी होती थी, जहाँ पर फौज मुश्किलात में होती थी तो उनके लिए हम परेशान भी होते थे। दूसरी बात यह है कि मैंने खेमखरन के महाज पे हमारी पलटन जो थी जिसका मैं हिस्सा था, वो 12 सितंबर तक तो खेमखरन के महाज पे रही, खेमखरन से आगे निकल गए थे हम। सही। एक जगह थी असल उत्तर, बल्कि हमारे एक बहुत बहादुर साहबजाद गुल साहब शहीद रिसाले के, वो तो एक जगह बल्तोहा वहाँ तक पहुँच गए थे, जहाँ से वो सड़क जो अमृतसर लाहौर की वो बहुत दूर नहीं थी।
लेकिन हमारे पास प्यादा फौज की ज़रा कमी थी तो वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाते थे। तो 12 तारीख को पता चला कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फौज इंक्लूडिंग द आर्मर्ड डिवीजन उसका हमला जो है वो चविंडा के मार्ग पर मतलब सियालकोट पर जो हुआ है और उनका मकसद पाकिस्तान की ये रेलवे और रोड वज़ीराबाद उसके इलाके में काटना है। तो उस वक़्त फिर हमारे पलटन को ब्रिगेड को हुक्म मिला कि आप खेमकरन से आगे वापस आएँ और आप चविंडा के मार्ग पर जाएं। अच्छा, तो फिर 12 तारीख को हम वहाँ गए, बल्कि हम दिन को निकलने का हुक्म मिला। सिचुएशन ऐसी थी नहीं तो नॉर्मली दिन को मूवमेंट नहीं करते हिंदुस्तान एयरफोर्स की वजह से, तो लेकिन हम दिन को निकले और जो ही हम निकले हैं कसूर से आगे तो एक जगह ललियानी थी जिसका नाम शायद बदली कर दिया उन्होंने, मुस्तफाबाद रखती है, तो वहाँ पर अटैक आ गया इंडियन एयरफोर्स का। अच्छा। और हमारे 3-4 गाड़ियाँ और हमारे कुछ लोग शहीद हो गए, ज़ख्मी हो गए और हमारा कन्वॉय थोड़ा हमको होल्ड करना पड़ा रीऑर्गनाइज करके, फिर हम शाम रात को कसूर पहुँचे। तो बाकी जो है जंग 12 से लेकर 17 फिर वहाँ पर हमने 5 दिन किए, तो मुझे 2 मार्चों पर लड़ने का मौका अच्छा, मिला। अच्छा, ये बड़ी एक मजे की बात कि कहाँ खेमकर हाँ, और कहाँ हमारा ब्रिगेड को हुक्म मिला, क्योंकि वहाँ हालात बेइंतहा प्रेशर था दुश्मन का कि ये दिफाई लाइन टूट ना जाए। लेकिन बाद में वहाँ 25 कैवेलरी बहुत ही उन्होंने दुश्मन के लेकिन आप चवंडा का मकाम की जो जंग है वो तो बड़ी एक तारीखी जंग है, बहुत ज़्यादा। तो वो कहते हैं दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी वो, उसमें शक नहीं है। तो जंग फिर जो 17 दिन बाद ख़त्म हुई है तो हम वहीं पर थे पसरू चवंडा के इलाके में, और फिर वहाँ पर हम 1-1.5 साल पड़े रहे फिर जब तक कि सीज फायर का फैसला ना हुआ। और ये तो अच्छा, ये जो चविंडा के अगर हम थोड़ा सा आप क्योंकि वहाँ मौजूद थे और आपके सामने वो सारी जंग है, वो क्या कहा जाता है कि जनाब इतने टैंक्स थे कि उन टैंकों को मुकाबला करने के लिए जब तक जवानों की शहादत नहीं है तो टैंकों को रोका नहीं जा सकता था। बहुत लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई, हमारे तोपखाने ने ज़बरदस्त काम दिखाया और हमारे जो आर्मर रेजिमेंट्स थी स्पेशली 25 कैवलरी का नाम उनको मैन ऑफ स्टील कहते हैं आज, सही, तो उनका बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने काफ़ी दुश्मन के टैंक तबाह किए और हमारे, तो बाद में हिंदुस्तानियों को वहाँ रोक दिया गया, फिर उससे आगे बढ़ ना सके वो जो वहाँ पे बढ़ रहे थे अपने एक दबाव के साथ, फिर जब पाकिस्तान आर्मी के लोग पहुँच गए तो जो रोके फिर उससे आगे बढ़ ना सके। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तान फौज के बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत लोग शहीद हुए, जनरल वहीद भी उस महाज पर थे, वो कहते हैं मेरे राइट लेफ्ट पे सूबेदार साहब भी दूसरे भी वो शहीद हुए। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने हिंदुस्तानी फौज के दांत खट्टे कर दिए, सही, हाँ, उनके आर्मर डिवीजन के। ये है कि आप खेमकरन से लेके चविंडा तक दो महाज पर मौका मिला, कसूर डिस्ट्रिक्ट और फिर सियालकोट में, ये भी एक बड़ा अच्छा। ये उसके बाद जब ये सारा 6 सितंबर के बाद से लेके 17 दिन की पूरी वो जंग हुई, उसके बाद फिर आप ये समझते कि ये जो सीज़ फायर है जिस तरह से भारत का बहुत सा इलाका पाकिस्तान में आ गया तमाम तर चीज़ें, उसके बावजूद भारत आज तक वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में किसी न किसी तरह से बुरा कि जंग मैदान में करना मुश्किल हो गया तो 71 में वो पूरी फिर एक पूरी प्लानिंग पूरी साजिश वो करता है, कि क्या वजह रही है पाकिस्तान से क्यों इस तरह से खा रहा है? बस वो समझते हैं कि भारत माता को तकसीम नहीं होना चाहिए, तो बात माता कहते हैं उसे, और वो समझते हैं कि ये हमको अखंड भारत के लिए काम करते रहना चाहिए और पाकिस्तान को कमज़ोर करते रहना चाहिए, खा वो जंग से हो, खा वो डिप्लोमेसी से हो, खा वो मक्कारी से हो, खा वो हमारे लोगों खरीद कर कलभूषण को भेज कर, और जो हम में आपस में जो डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं कोई मसले की बुनियाद पर, कोई सूबाइत की बुनियाद पर, कोई अर्बन रूरल के बुनियाद पर, उनको हवा देकर, उन लोगों की पीठ ठोक कर, उनको पैसे देकर, तो यहाँ पर टर्मोइल क्रिएट करता रहे और उससे अपने मकासद हासिल करे और दुनिया में हमको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश करे, तनहा करने की कोशिश करे, जहाँ हमको नुकसान पहुँचा सकता है माली इखलाकी किसी तरीके से, तो वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देता। लेकिन उनके चालों का हम तोड़ कर रहे हैं और उनके सामने खड़े हुए हैं, और उसकी बड़ी सबसे यह है कि
कि उसको हिम्मत नहीं होती क्योंकि बड़ा पाकिस्तान पर पहले की इतना हमला कर। बिल्कुल, वो हमले तो आप समझते हैं कि जब 99 का मामला था कागल का, वो भी सूरत में सामने आया, फिर दूसरा अभी हालिया जिस किस्म की एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की वो, फिर समंदर में दो दफ़ा डिटेक्ट उनकी सब मैरीन हुई। कि यहाँ होता कि जंग में नहीं जीतना, किसी न किसी तरीके साजिश से पाकिस्तान, वो तो शुरू से बर्दाश्त करना, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर वो पैसा अपना लगा रहा है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को अपनी इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो पाकिस्तान भी अपनी सी कोशिशें करके उनके चालों को नाकाम बनाता रहता है। सही। अच्छा जैसे आप क्योंकि वॉर हीरो रहे हैं, फिर उसके बाद आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी रही है बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर भी और फिर आपके गवर्नर सिंध के तौर पर भी, तो ये जो सिविल और मिलिट्री के मामलात हैं वहाँ हम देखते हैं पाकिस्तान की अफवाज बड़ी भरपूर लड़ रही होती है, यहाँ जिन आप साजिशों का बार बार जिक्र कर रहे हैं हमारे लोगों की कमज़ोरियों का या बिक जाने का, इस चीज़ को कैसे काउंटर किया जाए? जो हमारी सियासी क़यादत है बीइंग कौम जो है इन चीज़ों को कैसे रोकें? जैसे आपने कहा कि सीसा पिलाई दीवार कौम थी फ़ौज के पीछे, फिर हमारी जो फतह है वो बनी है, तो उसी फतह को और उसी चीज़ को बरकरार कैसे रखा जाए? अगर कौम और अवाम मुत्तहिद हों और उनका रिश्ता मजबूत है एक दूसरे के साथ, फौज के साथ नहीं आपस में भी, आपस में अब तो आपस में हम लड़ रहे हैं ना, हम तो कभी मसले की बुनियाद पर लड़ रहे हैं, कभी किसी और बुनियाद पर लड़ रहे हैं, लसानियत भी है, लसानियत भी है, सारी चीज़ें हैं ना। जो कादर अजम साहब ने उस वक्त कहा था कि इन चीज़ों से बच के रहना, सूबाइयत से, सब चीज़ों से, तो वो दुश्मन भी भड़काता है, कुछ हमारे लीडर भी भड़काते हैं। सियासत इन्हीं इश्यूज़ पर की जाती है, सियासत इस बात पर नहीं की जाती कि पाकिस्तान को किस तरह मुत्तहिद रखें, मजबूत बनाएं। सियासत लसानी बुनियादों पर, दूसरी बुनियादों पर की जाती है। अब बताइए, बहुत सी जो हमारी पार्टियां बनी हुई हैं मजहबी दीनी कस्म की, वो मसले की बुनियाद पर बनी हुई हैं। पहले पॉलिटिकल पार्टी लसानी बुनियाद पर भी बनी रही हैं, जो कि आईन जिसकी इजाज़त नहीं देता हम खामोश रहते हैं। तो अभी इस वक्त भी आप देखिए, जो हम टीवी खोलते हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, सियासी पार्टियों ने एक दूसरे गिरेबान पकड़ा हुआ है, पाकिस्तान डूब रहा है। लेकिन ज़्यादा आपको खबरें जो मिल रही थी, अब तो थोड़ा बदली हुआ है एक चार पाँच दिन से, अदरवाइज जब सर पे आ गया पानी, सब कुछ बहा कर ले गया, लोग घर से बेघर होकर परेशान हो गए, एक कहर इलाही है अज़ाब जो हम पर आ गया, उस वक़्त भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दे रहे, गिरेबान पकड़े हुए हैं। ऐसे मौके सारा काम इसी पे खर्च हो रहा है एनर्जी, सलाह वालों को किस तरह बचाया जाए उसके ऊपर डिस्कशन या बातचीत कम से कम है। अभी बहुत से लीडर साथ बैठना नहीं चाहते, इस मुश्किल घड़ी में भी इत्तेफाक़ नहीं दिखा रहे, तो ये कौम की कमज़ोरी है और इस पर काबू पाना ज़रूरी है। और कौम को जो है अपना एक मजबूत एजेंडा बनाने की ज़रूरत है। ये मुल्क जो 1980-85 तक एक मॉडल डेवलपिंग कंट्री था, खुशहाल थे, तरक्की की राह पर गामजन थे, अचानक सब चीज़ें बिगड़ गईं, लोगों के लिए अपनी तनख्वाह में गुजारा करना महाल हो गया, परेशानी आ गई, तो ये सर को सर जोड़कर बैठे हुए इसका क्या हल है और किस तरीके से मुल्क में जो है माशी तौर पर, सियासी तौर पर हम और अपनी कौम को किस तरह यकजा करें? इसमें कोई शक की बात नहीं जो आपने पहले कहा कि जब भी कौम पर कोई मुश्किल आजमाइश का वक्त आता है तो कौम इकट्ठी होती है। और अभी आप कह रहे हैं कि वसाइल को बाहर वाले ही भेज रहे हैं, कुछ हमारे मुल्क में हमारे बजट से भी दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कोई कैलकुलेशंस करे और हिसाब किताब करे तो जो अवाम अपनी जेब से पैसा निकाल कर आज खुद वॉलंटियरली दे रहे हैं, पैसा टेंट और खाना पीना ये वो जो आप देखें ढेर लगा रहे हैं, वो गवर्नमेंट से ज़्यादा नहीं, वो ये मेरा ईमान है, वो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है जो कौम सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब कौम तो ज़िंदा है और कौम तो ऐसे मामलों में कौम को एहसास है, लेकिन इस कौम को सही एक रास्ते पर लगाना और इनको तामीरी कामों में लगाना, और वो क्यों नहीं कौम? देखिए बात यह है, अगर हुकूमत और आवाम का रिश्ता कमज़ोर है वो मुल्क कभी तरक्की करके मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकता। और क्यों कमज़ोर है?
वो कहते हैं कि हुकूमत में वो समझते हैं इंसाफ की कमी है और हुकूमत अपने अपनों को भर रही है, हुकूमत मेरिट की धज्जियाँ उड़ा रही है, कानून में अमीर आदमी निकल जाते हैं गरीब फंस जाता है वगैरह वगैरह। ये तमाम जो गवर्नेंस के असूल हैं उनको बाले ताक रख दिया गया है और जिसकी वजह से फिर आवाम का अपनी हुकूमत पर से एतमाद और एतबार और रिश्ता जो है वो कमज़ोर पड़ा है। अगर वो कमज़ोर रहेगा तो पाकिस्तान कमज़ोर रहेगा। इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगे, सब मिलजुल कर साथ चलेंगे, बहुत तेज़ी से 5 साल के अंदर हालात ऐसे बदले होंगे कि पाकिस्तान फिर उठ खड़ा होगा। इस मुल्क में पोटेंशियल तो बहुत है, मतलब लोग भी हैं, जमीन भी है, पानी भी है, सब कुछ है, इदारा भी है, लेकिन तामीर करने वाला एक लीडर जो है, लीडर चाहिए। अब देखिए बात यह है कि बहुत से ममालिक जिनके वसाइल हमसे कमतर हैं, हर लिहाज से कमतर हैं और हमारे साथ ही आज़ाद हुए हैं या बाद में आज़ाद हुए हैं, वो आगे बढ़ गए। चाइना मौजूद तंग मिल गया उनको और सिंगापुर उनको कौन ली मिल गया, बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, और मलेशिया को महातीर मिल गया, अभी तुर्की को अर्दोवान मिल गया। तो मतलब यह है कि एक लीडर आ जाए और जो जिस पे कौम को इत्माद हो और वो कौम को आगे बढ़े तो कौम कुर्बानी देने को भी तैयार है, मुश्किलात भी का सामना करने को भी तैयार है, ये मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। और जो हमारे पास वसाइल हैं वो बहुत से मुल्कों के निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, लेकिन वो है कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि वो बटी हुई कौम को इकट्ठा करके एक लीडर और फिर लीडर इस कौम को लेकर चले, ये कौम ने हमेशा जज्बा दिखाया है किसी भी सूरत में हो। जब 1947 में तकसीम का वक्त है तो उस वक्त भी, फिर 65 के हालात हैं, 71 में टूटने के बाद दोबारा से खड़े होना किसी मुल्क का, और वो भी एक बहुत मजबूती से खड़े होना और न्यूक्लियर ताकत बन जाना बाद में, बिल्कुल, और वो उसके बाद से लेके न्यूक्लियर ताकत बनना, वो सारी चीज़ें, लेकिन वो लीडरशिप का एक फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आता है। अच्छा, आज के दिन के हवाले से ख़ासतौर पर हम, क्योंकि आप प्रोग्राम में हमारे फौजी जवान भी वो भी देख रहे हैं जो इस वक्त है, कौम भी पूरी वो भी देख रही है, और आज का दिन उन जज्बों के साथ ही सरशार होता है, तो आज के दिन के हवाले से कि आज पैगाम क्या सब आप देंगे कि ये कौम जो है उसको अब पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा एक बड़ा प्रोपेगेंडा रहा है और उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा कुछ लोग चाहते हुए और कुछ लोग ना चाहते हुए भी वो बन गए, तो किस तरह इस रिश्ते को मजबूत रखा जो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की अफवाज का रिश्ता है। जी, मैं जब लेफ्टिनेंट था और मूसा खान साहब हमारे कमांड चीफ थे जी, 1964 की बातें, वो हमको एड्रेस कर रहे थे ऑफिसर्स को खारिया में, कहने लगे मुझे पाकिस्तान की आज़ादी और ग़ुलामी के दरमियान जो बचाने वाली चीज़ है वो पाकिस्तान फौज नज़र आती है। वाह, ये उनका जनरल मोहम्मद मूसा का, ये उनका वो है जो मुझे अब तक कान में याद है। तो फौज, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ या दूसरों के ख़िलाफ़ वो हमारी दफाई लाइन है, और दुनिया इस बात को समझती है कि अगर पाकिस्तान को तोड़ना है, कमज़ोर करना है, नुकसान पहुँचाना है, जख पहुँचाना है, ग़ुलामी में वापस लाना है, तो जब तक पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर नहीं किया जाएगा, तो जब तक और सियासी तौर पर इंतशार नहीं फैलाया जाएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान के ऊपर वो काबू नहीं पा सकते। तो ये उनकी बहुत अरसे से ख्वाहिश रही है, हमेशा से कोशिश रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा मुत्तहिद रही है। और अवाम जो हैं वो 71 के सानह के बाद भी पाकिस्तान फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं या इज्जत है वो कम नहीं हुई। आजकल कुछ लोग जो हैं, कोई हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा है, कुछ और लोगों का प्रोपेगेंडा है, आपको पता है कि बहुत सारी साइट्स बाहर से काम कर रही हैं, कुछ हमारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं अपने सियासी मकासद के लिए, कभी कहते हैं फ़ौज हमारी मदद करे तो फ़ौज बहुत अच्छी है, कभी कहते हैं कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए कभी। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि फ़ौज को कंट्रोवर्शियल बनाना या बगैर सोचे समझे ये पोस्टें वोस्टें सोशल मीडिया पे चलाना जिससे ये रिश्ता कमज़ोर हो आवाम का या फ़ौज के ऊपर, ये मुल्क के साथ दुश्मनी है और ये मुनासिब नहीं है। और देखिए बात ये है, एवरी डे
आप देख लीजिए, कोई ना कोई अफसर, कोई जवान, कोई ना कोई शहीद हो रहे होते हैं कौम की खातिर। कश्मीर की पहाड़ी पे गाड़ी उलट गई, कहीं दहशतगर्दों के साथ नॉर्थ बलूचिस्तान में शहीद हो गए, कहीं बलूचिस्तान पे वो दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। ऑल द टाइम वो कुर्बानी दे रहे हैं। अब वो बेचारे अपनी फैमिली से दूर बैठे हुए ये काम कर रहे हैं और आप उन पर कीचड़ उछालेंगे और बोलेंगे ये ठीक नहीं है, फला नहीं है, तो वो फिर जो है उनको दुख होता है इस बात का, उनको अफसोस होता है इस बात का। तो मेरे ख्याल से हमको इस बारे में बड़ा मोहतरत रहना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जो अफवाज है वो दोनों मिलकर पाकिस्तान के जो दिफा है उसके लिए वो काम वो करते होते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने बड़ा एक तफील वक्त दिया और आज का दिन और उसके लिए खसूसी पैगाम भी, जहाँ हमारे शहदा के हवाले से हम उनको याद करते हैं, अपने गाजियों को जिस तरह से हम याद करते हैं, आज के दिन को लेकर वहीं पर पाकिस्तान की अफवाज, इस वतन की मोहब्बत के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा और अहद करना होगा इस वतन के लिए कि इस वतन की हिफाजत करते हुए, नौजवानों के साथ भी इस वतन की हिफाजत करते हुए पाकिस्तान अफवाज और इस आवाम को मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है और इस मादर वतन के दिफा की कसम खानी है। नशार के साथ की कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम ज़िंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबां, वतन अपना काबा, वतन अपना ईमा, गर कोई समझे बहक जाएंगे हम तो गरज के ये बात समझाएंगे हम, जो नफ़रत बढ़ाकर वतन बेचते हैं वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं, किसी को ये सौदा चुकाने न देंगे, वतन पर कभी आँच आने न देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, माशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत का, बहुत शुक्रिया। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और खास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर वन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।